हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ए डेविल प्रेसिडेंट डीपली फॉल इन लव विथ हिज गार्ड सन के पार्ट 37 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग कॉल पिक करके कहता है, हेलो यंग। युंगी कहता है, कहीं मैंने तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट को ख़राब तो नहीं किया ना? तयंग कहता है, नहीं, मैं कुछ मेल चेक कर रहा था बस। क्या बात है यंग, सब ठीक तो है ना? युंगी कहता है, सब ठीक है। तेई, मैं और जिमिन 2 दिन बाद शादी कर रहे हैं। मैं ये बात सबसे पहले तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था, मैं बहुत खुश हूँ। तयंग कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन्स यंग। क्योंकि कहता है, क्या तुम खुश नहीं हो? तयंग कहता है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे जेहोप ह्योंग के लिए बैड फील हो रहा है। मैं उनके आँखों में आंसू नहीं देख सकता। क्योंकि कहता है, मैं उससे माफ़ी मांग चुका हूँ, उम्मीद है वो मुझे माफ़ कर देगा। तयंग, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, ये सच है। मैंने कभी जेहोप के लिए अपने दिल में प्यार महसूस ही नहीं किया, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रहता। जिंदगी भर दुख सहन करने से अच्छा। तयंग युंगी के बात को बीच में काटते हुए कहता है, आई अंडरस्टैंड ह्योंग, एक बार फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। युंगी कहता है, मुझे पता है अंकल और आंटी मुझे इसमें सपोर्ट नहीं करेगा, अगर उन्हें इस बात का पता चला तो वो लोग मुझे भी सेम डिसगस्टिंग लुक से देखना शुरू कर देगा। इसलिए जिमिन और मैंने शादी सिंपल रखने के बारे में सोचा है। शादी चार्ज पर होगा, मैं चाहता हूँ तुम और कुक मेरे पास रहो। तुम अपने ह्योंग के शादी में आओगे ना तयंग? तयंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, ओके ह्योंग, बाय। दूसरे तरफ नामजुन काउच पर बैठ कर एंग्री लुक से बस जिन को ही घूरे जा रहा था। जिन लैपटॉप में कुछ काम ख़त्म करने के बाद कहता है, अगर आज रात तुम यहाँ रहना चाहते हो तो दूसरे कमरे में जाकर रहो, मैं अब तुम्हारे आसपास होने से बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। नामजुन कहता है, इसका क्या मतलब है? तुम मेरे साथ अपना रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हो? जिन कहता है, क्या पहले से ही ख़त्म नहीं हो चुका है? नामजुन कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, तुम आप भी मेरे हो और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। जिन कहता है, वन तुम्हारे मंगेतर, क्या तुम उसे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? अगर मुझे पता होता तुम एक डरपोक और भरोसे के काबिल नहीं हो तो मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करता। डोंट यू डेयर हार्ट वायन, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर गुस्सा हो जाएगा और तुम उन्हें नाराज नहीं करना चाहते हो, राइट? जुन, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं अपने लिए इस तरह के रिलेशनशिप और लाइफ नहीं चाहता। मैं भी इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पास हमेशा कोई हो जो सिर्फ मुझसे प्यार करे। सडनली नामजुन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचकर उसे किस करने लगता है। जिन उसे फिर से खुद से दूर धकेल कर कहता है, हाउ डेयर यू, तुम मुझे किस अधिकार से टच कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, मैं भी तुम्हारे तरह बहुत जल्द अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लूँगा, मुझे सिर्फ वही टच कर सकता है, तुम नहीं। जिन के बात सुनकर नामजुन एंगर में एक हाथ से कस कर जिन के चिन पकड़ कर दांत पीसते हुए कहता है, एक और बार तुमने अपने मुंह से एक शब्द निकाला देन आई एम गोना किल यू। जिन कहता है, तो फिर वायन से मांगनी तोड़ दो, वरना मैं भी वही करूँगा जो तुम कर रहे हो। तुम्हारे शादी के दिन मैं भी किसी और से शादी कर लूँगा। जुन, तुम्हें किस बात का डर है? तुम्हारे लिए किम नेम की टैग और फैमिली सब कुछ है, कुछ नहीं हूँ तुम्हारे लिए। नामजुन ग्राउंड पर नी डाउन होकर बैठ जाता है, पहली बार उसके आंखों में आंसू था। नामजुन रोते हुए कहता है, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ, मैं उन्हें अपसेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी जिन। जिन कहता है, लेकिन तुम उनके लिए मुझे छोड़ सकते हो, अपने प्यार को छोड़ सकते हो। जुन, एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कर लेते तुम। नामजुन कहता है, बहुत लेट हो चुका है, मैं अब चलता हूँ। नेक्स्ट डे तयंग सुबह नींद से उठकर आइस ओपन करने से पहले बिस्तर पर अपने एंजल को सर्च करने लगता है। जब उसे एहसास हुआ जंगकुक उसके साथ बेड पर नहीं है, तयंग आंखें खोलकर कमरे में उसे सर्च करने लगता है। जैसे ही तय कमरे से बाहर जाने के लिए डोर नॉब पर हाथ रखता है, तभी डोर ओपन कर जंगकुक कमरे में एंटर करता है। जंगकुक के बॉडी इस वक्त पूरी तरह से वेट था,
और उसने शॉर्ट के अलावा ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। तैयंग उसे इस हालत में देखकर अपने स्पॉट पर ही बर्फ की तरह जम गया था। जांगकुक अपने हबी को गले लगाकर उसके नेक पर किस करके कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। जांगकुक के कोल्ड लिप्स के टच से तैयंग अपने बॉडी में शिवर महसूस करता है। तैयंग खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है, बेबी तुमने पूरे कपड़े क्यों नहीं पहना। जांगकुक कहता है, ओ कम ऑन तेई, पूरे कपड़े पहनकर कौन स्विम करता है। ये सुनने के बाद तैयंग की आंखें वाइडन हो गई। तैयंग कहता है, तुम इस तरह से गार्ड और सर्वेंट के सामने स्विम कर रहे थे। जांगकुक कहता है, नहीं मैंने सबको वहां से पहले ही जाने के लिए कह दिया था। तैयंग गहरी सांस छोड़कर कहता है, मैं तुम्हें फिर से ऐसा करने के लिए परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता जो चीज मेरा है वो कोई और भी देखे। जांगकुक तुरंत तैयंग के लिप्स से लिप्स जोड़कर उसे पैशनेटली किस करते हुए पूछता है, हाउ डज इट फील बेबी। तैयंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, इट्स हार्ड। जांगकुक तैयंग के ईयर पर फिंगर से सहलाते हुए कहता है, तुम बस मेरे लिप्स मूवमेंट पर फोकस करो। तैयंग किस के बीच में जांगकुक के लिप्स पर बाइट करने लगता है। जांगकुक को जब याद आ जाता है कि आज उसे एग्जाम देने जाना है, जांगकुक तुरंत किस ब्रेक करके कहता है, हाबी मैं एग्जाम के लिए लेट नहीं होना चाहता। तैयंग कहता है, बट आई वॉन्टेड टू सो बैड, इट ओनली बिलोंग्स टू मी, जस्ट मी। जांगकुक लीन होकर तैयंग के लिप्स के कॉर्नर में किस करके कहता है, योर्स एंड जस्ट योर्स, बट अभी मैं लेट हो रहा हूँ। तैयंग गहरी सांस छोड़कर कहता है, ओके जाओ जाकर तैयार हो जाओ, ऑफिस जाते टाइम तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूंगा, यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। जांगकुक कहता है, ठीक है। दूसरे तरफ मिस्टर पार्क अपने स्टडी रूम में बैठकर ऑफिस का कुछ इंपॉर्टेंट फाइल चेक कर उस पर साइन करने में बिजी था। तभी कोई स्टडी रूम के डोर धीरे से ओपन कर स्लोली कमरे के अंदर एंटर करती है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो। मिस्टर पार्क ओल्ड वॉयस में बिना पीछे मुड़े ही कहता है, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त मैं स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा हूँ। सर्वेंट चलकर मिस्टर पार्क के सामने आकर सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर पार्क। बॉस अभी अभी मुझे पता चला है कि कल यंग मास्टर और मिस्टर मीन चार्ज में शादी करने वाले हैं। मिस्टर पार्क कहता है, ओ आई सी। मिस्टर पार्क इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सिंपली आंसर किया और फिर से अपने वर्क कंटिन्यू किया। सर्वेंट सर झुकाकर अब भी वही खड़े होकर मिस्टर पार्क के और कुछ कहने की इंतज़ार करने लगती है। मिस्टर पार्क फाइल से आंखें हटाए बिना ही फिर से कोल्डली कहता है, यू कैन लीव नाउ। सर्वेंट के जाते ही मिस्टर पार्क मोबाइल पर किसी के नंबर डायल करता है। कॉल जा रहा था पर दूसरे तरफ से कोई कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। मिस्टर पार्क फिर से उसी नंबर पर कॉल करता है। दो बार रिंग बजने के बाद फोन के दूसरी साइड से जिमिन कहता है, व्हाट्स रॉन्ग मिस्टर पार्क। मिस्टर पार्क कहता है, तुम कल शादी कर रहे हो और मुझे बताया भी नहीं। जिमिन कहता है, क्या आपको भूलने की बीमारी है। मिस्टर पार्क कहता है, मैं तो तुम्हें गुड लक कहने के लिए कॉल किया था। दूसरे तरफ तैयंग कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर न्यू प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन के लिए इंतज़ार कर रहा था। तभी लैपटॉप के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में सारा एंटर करती है। ते सारा को देखकर शॉक एंड सरप्राइज दोनों था। सारा कॉन्फ्रेंस रूम में उपस्थित सबको ग्रीट कर सॉफ्ट स्माइल के साथ कहती है, हेलो एवरीवन, मैं यहाँ न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन देने आई हूँ। उम्मीद है न्यू प्रोजेक्ट आप सबको पसंद आएगा। तैयंग सबके सामने सिचुएशन को नॉर्मल रखने के लिए कहता है, हाँ मुझे भी यही उम्मीद है। सारा कहती है, तो क्या आप मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हूँ। तैयंग कहता है, या श्योर। सारा प्रेजेंटेशन देते टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही थी। तैयंग मन में सोचता है, सारा क्लिनिक छोड़कर बिजनेस में क्या कर रही है और लिसा मुझे इस बारे में पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सारा प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद कहती है, मिस्टर किम इफ़ यू डोंट माइंड कैन वी मीट फॉर लंच। लंच पर हम इसे डिटेल्स में और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तैयंग इशारा कर सबको कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। सबके जाने के बाद तैयंग कहता है, सारा तुम यह क्या कर रही हो। सारा कहती है, मैं यह बिजनेस प्रोजेक्ट पर बात करने आई हूँ।
तो क्या हम लंच पर जा सकते हैं? एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ न्यू डील को लेकर लंच करते टाइम डिटेल्स में बात करना चाहती हूँ। तयंग कहता है, तुम मिस्टर वाल्टर के लिए काम करती हो। सारा कहती है, तयंग कहता है, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मैं न्यू प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात मिस्टर वाल्टर के साथ फ़ोन पर डिस्कस कर लूँगा। अब तुम जा सकती हो। सारा लैपटॉप हाथ में लेकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली जाती है। तयंग घड़ी के तरफ देखकर जल्दी से काउच के ऊपर से कोट लेकर ऑफिस से निकलने लगता है। तयंग कार में बैठकर इंजन स्टार्ट कर जोंगकुक को कॉल करता है। जैसे ही जोंगकुक कॉल पिक करता है, तयंग कहता है, बेबी हाउ इज योर एग्जाम? जोंगकुक एक्साइटेडली कहता है, फाइन। तयंग कहता है, मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, तुम मेरे लिए वहाँ इंतज़ार करो, ठीक है? तयंग बात करने में बिजी था, तभी अचानक उसके कार के सामने कोई आ जाता है। तयंग कार स्टॉप कर जैसे ही उस इंसान को चेक करने के लिए कार से बाहर आया, तभी कोई और पीछे से उसके गर्दन पर कुछ इंजेक्ट कर देता है, जिससे ते बैलेंस खोकर कार के तरफ झुक जाता है। तयंग को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सारा अपने गार्ड से कहती है, जल्दी से उसे कार में बिठाओ। तयंग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सबकी बातें सुन पा रहा था। तयंग कहता है, लीव मी, मेडिसिन बहुत जल्द अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पूरे एक घंटे के बाद तयंग जब अपने सेंस में वापस आने लगता है, सारा बेड पर उसके पास बैठी थी। सारा तयंग के चेहरे को टच करके कहती है, तयंग तुमने मेरे ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से लंच के लिए इन्वाइट किया था, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें रिस्पेक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। चलो एक साथ कुछ पिक्चर लेते हैं। तुमने अपने गार्ड के बेटे से शादी की है ना? तयंग, बेब अगर उसे पता चल गया तुम अभी मेरे साथ किसी होटल रूम में हो और उसे चीट कर रहे हो, तब वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। जोंगकुक यहाँ तय को ढूंढकर पागल हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जोंगकुक इयोंगी और जिमिन को कॉल कर तयंग के बारे में इन्फॉर्म करता है। जोंगकुक इसलिए परेशान था क्योंकि उन दोनों के फ़ोन कॉल के बीच में ही अचानक कुछ हुआ। तब से तयंग का सेल फोन बंद आ रहा है। इयोंगी तुरंत तयंग के लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करने में लग जाता है। सारा कहती है, तयंग बेबी मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, ऐसा करने के लिए तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। जिस तरह उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें मुझसे अलग कर दिया है, अब मैं भी तुम दोनों लवबर्ड को अलग कर दूंगी। सारा तयंग के चेस्ट पर हाथ फिराते हुए कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं अभी नीचे जाकर तुम्हारे लिए फूड लेकर आती हूँ। तयंग जो अभी भी बेड पर अनकॉन्शियस स्टेट में लेटा हुआ था, उसे सारा की बात सुनाई दे रहा था, पढ़ते ही इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे पा रहा था। जब से योंगी और जिमिन को पता चला कि तेई किसी मुसीबत में है, जिमिन जोंगकुक के पास आ गया था उसे संभालने के लिए, और योंगी पुलिस और अपने स्पेशल टीम के मदद से तयंग के लोकेशन का पता लगा लिया था। योंगी तुरंत लोकेशन के बारे में जोंगकुक और जिमिन को टेक्स्ट कर देता है और खुद जितना जल्दी हो सके पुलिस के साथ उस लोकेशन में पहुँच जाता है। सारा फूड प्रिपेयर करने के बाद ड्रेस चेंज करने बाथरूम आ जाती है। चेंज करके सारा बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ पहनकर बाथरूम से निकलकर किचन से फूड ट्रे लेता है। उसके बाद बेडरूम आ जाती है। सारा फूड ट्रे बेड साइड टेबल पर रखकर लिप्स पर एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहती है, बेबी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज सच में वो हासिल कर लूँगी मैं जो हमेशा से सिर्फ मेरा था, इतने सालों से जिसके लिए मैं तड़प रही थी, लेकिन उससे पहले चलो कुछ खा लेते हैं। ओ आई फॉरगॉट, तुम अपने हाथ से खाना नहीं खा पाओगे, तुम्हें कम्प्लीटली होश आने में ज़्यादा से ज़्यादा और 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन तब तक हम दोनों एक हो चुके होंगे। ओ आई एम सो एक्साइटेड। सारा तयंग को फीड कराने की कोशिश करने लगती है, पर वो उसे खाना नहीं खिला पा रहा था। सारा थक कर स्पून प्लेट में रख कर कहती है, इसके बारे में भूल जाओ, तुम्हें शायद भूख नहीं है, चलो ड्रिंक करते हैं। सारा वाइन शेक करने के बाद ग्लास में वाइन पोर कर तयंग के लिप्स के साथ ग्लास टच कर उसे पीने के लिए फोर्स करने लगती है।
आरा उसे ड्रंक करके उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ड्रिंक तयंग के सूट पर गिर जाती है। सारा कहती है, ओ नो बेबी, तुमने अपना शर्ट खराब कर दिया है। इट्स ओके, तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे तुम्हारे बॉडी से रिमूव कर देती हूँ। तयंग हाफ अनकॉन्शियस स्टेट में कहता है, डोंट टच मी, लीव मी। सारा उसे शराब पीने के लिए मजबूर किया। ड्रिंक तयंग के बॉडी में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब तयंग और भी ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके पास अभी फाइट करने की ताकत नहीं थी। तयंग धीरे से मौन करते हुए कहता है, कुकी। सारा गुस्से से चिल्ला कर कहती है, सारा, ओनली सारा। सारा तयंग के ऊपर लीन होकर लास्टफुली उसे घूरने लगती है। तयंग फिर से कहता है, कुकी। सारा कहती है, तयंग यू स्मेल सो नाइस, क्यूट एंड हॉट। मैं तुम्हें फील करने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती। सारा तयंग का शर्ट अनबटन करना स्टार्ट कर दिया था, तभी अचानक डोर ओपन हो जाता है। जोंगकुक तुरंत कमरे में एंटर कर सारा को तयंग के करीब देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। जोंगकुक भागते हुए आकर सारा को तेज से अलग कर उसे बेड से नीचे पुश कर देता है। तयंग अभी भी अनकॉन्शियस माइंड में जोंगकुक के नाम ले रहा था। जोंगकुक जब तयंग के शर्ट खुला हुआ देखता है, जोंगकुक तुरंत बटन क्लोज कर लविंगली दोनों हाथ तयंग के फेस पर रखकर कहता है, ते मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, प्लीज़ अपने आंखें खोलो, ए मैं हूँ जोंगकुक। तयंग कहता है, कुकी। जोंगकुक कहता है, इट्स ओके, आई एम हेयर, अब तुम मेरे पास हो। युंगकी कहता है, सारा तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, ऑफिसर। जोंगकुक बेड से उतर कर ऑफिसर की तरफ देख कर कहता है, एक मिनट ऑफिसर। जोंगकुक सारा के गाल पर जोर से स्लैप करके कहता है, हाउ डेयर यू टू टच माई हस्बैंड। युंगकी कहता है, जोंगकुक काम डाउन, छोड़ो इसे, ये लोग इसे हैंडल कर लेंगे, अभी हमें तयंग को देखने की ज़रूरत है। जोंगकुक कहता है, ह्योंग मिमी, सबसे पहले हमें ते को वापस मेंशन ले जाना होगा, जरूर उसे ड्रग दिया गया है, वो अभी भी नशे में है। तयंग नशे में बरबराने लगता है। कुकी। जोंगकुक कहता है, तेई ओपन यूर आइज। जिमिन कहता है, मुझे लगता है उसके बॉडी में अल्कोहल लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जिस वजह से वो अपना आंखें तक नहीं खोल पा रहा है। युंगी कहता है, आई थिंक हमें ते को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, पता नहीं उस पागल लड़की उसे पाने के लिए और कौन सी नशीली दवा दिया, मेडिसिन दिया होगा। तयंग धीरे से कहता है, कुकी आई कैन ओपन माई आइज। जोंगकुक कहता है, इट्स ओके, तुम जल्द ठीक हो जाओगे। मिमी जल्दी से कार निकालो। जिमिन कार होटल के मेन गेट के पास लेकर आता है। युंगी के मदद से जोंगकुक ते को कार में बिठाकर खुद उसके पास बैठकर उस अपने सीने में कस कर होल्ड कर लेता है। तयंग जोंगकुक के चेस्ट पर फेस रैप करते हुए कहता है, बेबी आई एम हॉट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, प्लीज हेल्प। जोंगकुक ते को तकलीफ में देखकर रोते हुए कहता है, मिमी वो लड़की ते के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, क्या उसके पास दिल नहीं है, ते बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकता। जिमिन कहता है, कुक तुम स्ट्रांग हो, तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। जोंगकुक और भी हार्डली क्राई करते हुए कहता है, मिमी आई नो के उसे अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, उसने तयंग के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया है, उसने ये भी बताया कि तयंग को यहाँ लाने से पहले उसके आदमी ने उसे कुछ इंजेक्ट किया था। तयंग जोंगकुक के चेस्ट पर अपने फेस और जोर से रब करते हुए मौन कर रहा था। कुकी बेबी, जोंगकुक कहता है, इट्स ऑल राइट बेबी, हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जोंगकुक ते को अपने आर्म्स में कैरी कर हॉस्पिटल में एंटर करता है। डॉक्टर और नर्स भागकर उसके पास आ जाता है। डॉक्टर पूछता है, मैटर क्या है। जोंगकुक सिचुएशन से इतना घबराया हुआ था कि उसके मुँह से कुछ निकाल ही नहीं रहे थे। युंगी कहता है, डॉक्टर उसे इंजेक्ट किया गया है, हमें डर है कि ये कोई पॉइजन तो नहीं। डॉक्टर इमीडिएटली तेई को ओटी में लेकर जाता है। ट्रीटमेंट और चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहता है, डोंट वरी मिस्टर मिन, मिस्टर किम अभी खतरे से बाहर है, उन्हें सिर्फ नींद का इंजेक्शन दिया गया था, काफ़ी पावरफुल और डोज ज़्यादा होने के कारण वो आँख नहीं खोल पा रहे थे, आप सब कुछ ठीक है, मेडिसिन का असर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है।
ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी इन्जॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।